जब तक नहीं बोलेंगे कि तुम्हें आंसर देना है तब तक नहीं बोलना। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट थिंग इज दैट मैं पर तो आज सबमिट करो, उसका रीजन ये है, एक तो तुम्हें 5 मार्क का क्वेश्चन रेडी होता है, सेकंड थिंग तुमको अपलोडिंग करना आएगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे अपलोड करोगे। प्रियांशु यू आल्सो हैव नॉट सबमिटेड, प्रियांशु ने भी सबमिट नहीं किया। ओके, सो टुडे यू ऑल हैव टू सबमिट। सीधे बैठो, बैक में जाकर बैठो सीधे, सिट स्ट्रेट एवरीवन, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। मैंने टर्निंग कर दिया। कर दिया तो अलग से मत बताओ, मैंने जैसे जिनके नाम रीड किए थे उन बच्चों ने नहीं किया है, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 आई वांट टू शो यू समथिंग, जस्ट टेल मी। जनरल से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, अगर स्क्रीन पर है तो मैडम विजिबल ऐसा बोलोगे। ओके, हां, कैन यू सी जनरल, दिख रहा है स्क्रीन? Can you see everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hear that? You can. Yes, see. Ma'am. Good morning. This is the picture. Yes, ma'am. What is this? अब सिर्फ सुनो, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, this is a horse shoe. इसको बोलते हैं horse shoe. मैम, उसका ऑक्स के पैर के नीचे पहनाया जाता है जिससे तेज भागता है, और उसको ऑक्स के पैरों के नीचे भी पहनाया जाता है। हाँ, अभी सुनो, ये देखो हॉर्स के पैर के नीचे इस हॉर्स शू को बूट्स पर कैसे लगाते हैं, और यहाँ 3 जगह पे थे फुट नेल्स, यहाँ पर हील लगा देते हैं, नेल लगा देते हैं, तो सोचो कि हॉर्स को कितना पेन होगा होगा, है ना। ये देखो, ये है हॉर्स शू जो हॉर्स के पैर में लगाया जाता है, एंड व्हाई दे पुट दिस हॉर्स शू, सो दैट अभी वो मूव करेगा रोड पर, गर्म रोड पर, तो उसको दर्द नहीं होगा। अभी आई विल शो यू हॉर्स हूव्स, हॉर्स के हूव्स भी दिखा देते हैं जिस बच्चों को हूव्स में डाउट है ना। ये है हॉर्स के हूव्स, ये देखो हॉर्स के ये हूव्स, दीज आर कॉल्ड हॉर्स हूव्स। उसके नीचे के साइड में सी दे हैव पुट दिस हॉर्स शू, सो दैट व्हेन दे रन, जब वो भागते हैं तो उनको ये पैर के नीचे, ये देखो हाथ रखा है, ये पैर के नीचे था गर्म नहीं लगेगा, लेकिन यू थिंक कि जब उसके पैर के ऊपर लगाते होंगे, समझ में आया व्हाट इज हॉर्स शू? यस मैम, यस मैम। मैंने अभी तुम लोगों को हॉर्स हूव का एक पिक्चर दिखाया था ना, वो हॉर्स के हूव्स हैं, हूव्स के नीचे वो जो हॉर्स शू ऐसा रहता है, उसके यहाँ पे नेल, यहाँ पे नेल, यहाँ पे नेल। मैम से देखो, दे पुट दिस नेल, वो नेल डालने से क्या होता है, क्या होता होगा उसको, बहुत पेन होता होगा ना। मैं अगर तुम्हारे पैर के नीचे ऐसा लोहे का लेकर कील से ठोक दूंगी जोर से, तो बहुत तेज पेन होगा ना। इफ आई पुट समथिंग नेल इन योर फीट, तुम्हारे फीट में लगाएंगे तो ऐसे ही हॉर्स आल्सो गेट हर्ट, बट ये इससे लगाते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हॉट रोड। वो जब रोड पे रनिंग करता है या फिर सैंड में रन करता है या जमीन पर रन करता है, तभी उसको हीट नहीं होगी, बट स्टिल जब वो भागता होगा तभी तो लगती होगी उसके हूफ में, जब दर्द होता होगा, जब भागता होगा उसको बहुत दर्द होता होगा, लेकिन एक बार लगाने के बाद नहीं होता होगा, लेकिन जिस टाइम पे वो नेल लगाते हैं उस टाइम पे तो बहुत पेन होता होगा। अदरवाइज जब वो रन करेगा रोड पे, बैठने आई उसे तो टांगा और रेसेस में यूज करते हैं ना हॉर्स रेस में, तो उसको जमीन बहुत गर्म लगेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये क्यों लगाया जाता है, ये देखो टू प्रोटेक्ट। मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैम टू प्रोटेक्ट, मैम ताकि उनके उनके पैर जले नहीं, ताकि उनके पैर जले नहीं। हाँ बोलो, क्योंकि उनके पैर जले ना तो स्कूल होता है उस पे जो बात में लिसन यार, यू कैन टाइप योर आंसर, अपना आंसर टाइप भी कर सकते हो ताकि सारे बच्चे एक साथ ना बोले, तो मैं तुम्हारा टाइप वाला क्वेश्चन क्वेश्चन पे टाइप। वो उसके नीचे जो लोहा लगा रहता है ना, ये हॉर्स शू, वो
वो आयरन का बना रहता है, उसके तरह आवाज आती है मेरे ख्याल से। जब हॉर्स रन करता है तो आवाज आती है ना थोड़ी से। आपने कील भी देखी है? क्योंकि प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, क्योंकि उसके पैर के नीचे वो जो ये हॉर्स शू लगा है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, वो आयरन का बना है। तो जब आयरन भी जब लगाते होंगे, जब उसको स्क्रीन नहीं दिख रही है तब उसको बहुत पेन होता होगा। क्या मैम मुझे नहीं दिख रही है? मैं कुछ दिखा नहीं गई तो कैसे दिखेगा? जब उनको लगाते होंगे वो दो तीन नेल, उस टाइम पर उसको बहुत पेन होता होगा। बाद में उसको पेन नहीं होता होगा, वो फिक्स हो गया ना। उस टाइम में पेन, जब तुमको इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन जब इंजेक्ट करते हैं उस टाइम में बहुत पेन होता है। अभी म्यूट, नाउ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, नाउ विल मूव फर्दर लेसन नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स। आई कैन नॉट, चैट बॉक्स ओपन किया, रीड देयर। अननेसेसरली बिना पूछे अपना माइक ऑन मत करना। ओके, एंड इफ यू आर अग्रीइंग विद समथिंग शो मी अ थम्स अप। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेसन नंबर 3। दिस लेसन नंबर 3 इज अबाउट एलिफेंट्स। ओके, so in short note they can ask you two questions, puch sakte hain, either they can ask you two long questions can be made. One is they can ask you about elephant, right? Five sentences about elephant bhi puch sakte hain, like this question I had given in your vacation homework mein bhi diya tha. Or we can ask you questions about elephant bird, theek hai? Ya elephant ke bird ke bare mein, तो एलिफेंट के बारे में तो आई थिंक सब बच्चे बता सकते हैं। ऋतिक यादव, अबाउट एलिफेंट, ओनली एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट के बारे में। बोलो, एनिमल इज ए वाइल्ड एनिमल, एनिमल इज ए पेट, एनिमल इज ए वाइल्ड एनिमल, एनिमल है फोर लेग्स एनिमल। और एक बार एलिफेंट बोला तो सेकेंड बार फिर बोलना, ठीक है? एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, इट इज फोर लेग्स, इट इज वन ट्रंक, इट इज, हाँ, और मैम इसकी जगह इट हैज वन टेल, इट हैज वन टेल, इट हैज टू आईज, ये टू आई वन माउथ टू फोर लेग, ये नहीं बोलना है? ये तो दो आंखें होती है, बनाना। इट लिव्स इन जंगल, इट इज ईटिंग बनाना एनिमल, इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, इट लाइक स्मॉल लाइक पैन, एलिफेंट लव्स टू ईट ट्विग्स एंड लीव्स। Most of the animals live in jungle. People also use elephant to carry loads. समझ में आया? ऐसा बोलना है। Two eyes तो सभी को रहती है, three eyes तो सभी को रहता है, four legs तो सभी को रहता है। वो छोटे baby जैसे questions नहीं बोल रहे हैं, okay? कैसे हैं? Then second one is elephant bird. तो proof है। Elephant bird. At a time एक ही बच्चा बोलेगा। ऋषि मेरे फैन। लक्ष्य वर्धन म्यूट योरसेल्फ। रिशित सिन्हा, टेल मी फर्स्ट सेंटेंस अबाउट एलिफेंट हर्ड। मैम द ओल्डेस्ट फीमेल ऑफ द हर्डिंग, द लीडर ऑफ द हर्ड इज द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। फर्स्ट सेंटेंस यू विल एक्सप्लेन द वर्ड हर्ड, पहले हर्ड के बारे में ही होगी। The first sentence, what it should be, Jalal? Word, word. The elephant lives in the herd. And male elephants leave the herd
In the age of 40-50, we are the last. Elephant heard, what do you mean by heard? Oh, yes, the male is heard. And the group of elephant is called the herd. First sentence. Second sentence, jo Rishit ne bataya tha, the oldest female is the leader of herd. Herd ki jo leader hoti hai, wo sabse old wali female elephant hoti hai. Now, Khushi Mishra, tell me third one. Male is the herd and 14 to 15 years old. Male elephant live in the herd till they are 14 to 15 years old. उसके पहले ये बताओ कि herd में कौन कौन था? तो मैंने कहा था. हाँ ठीक है. Third वाला दूसरा बताओ कि elephant herd में कौन कौन होता है? Rainbow brother came to the class for the first time I think. There are 10, 12 elephant in herd. There are 12, 10, 12. Baby animals is 40. और एक अभी बताया जलज और खुशी ने मेल एलिफेंट elephant eats 100 kilogram beef and drinks. वो तो एक elephant के लिए हो जाएगा. Like elephant sleep for 2 to 4 hours सिर्फ elephant के लिए होगा. Elephant herd का बताओ. Elephant herd के बारे में बताना. देखो अगर इस साल में एलिफेंट बर्ड लाया और तुमने लिखा एलिफेंट को ये खाना पसंद है एलिफेंट इतने और तुमने सिर्फ एलिफेंट के बारे में लिखा तो इसलिए हम रीडिंग इट वंस अगेन. ये फाइव सेंटेंसेस हैं. अभिषेक सुधा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. रस्तिका म्यूट. The group of elephant is called herd. Elephant के group को herd बोलते हैं. Oldest female is the leader of the herd. जो सबसे old वाली female होती है वो herd की leader होती है. There are 10 to 12 elephants in a herd. एक group में, एक herd में 10 से 12 elephant होते हैं. एक वो भी लिख सकते हो. There are male elephant, baby elephant and female elephant in a herd. Male elephant live in a herd till they are 14 to 15 years old. And last elephant herd move in jungle in search of food. ये लिख लो. इसको लिख लो या फोटो खींच लो क्योंकि I told you all if you want to say something write in the chat box. Raghav Sinha. Ma'am. Write in chat. Vastika mute yourself. Ma'am camera thoda niche karna. कैमरा तो नीचे तक आ रहा है उसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं उसके नीचे तो बोर्ड ही खत्म हो गया. नहीं है पूरा दिख रहा है मुझे यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देता है ना पूरा दिख रहा है. यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस. इसको आज नोटबुक में लिख लेना. राइट इन नोटबुक आता है. और एक है कि देयर इज मेल एलिफेंट बेबी एलिफेंट एंड फीमेल एलिफेंट इन एलिफेंट हर्ड. वो भी लिख सकते हैं बट दिस मच इज इनफ. ये पूरा एकदम करेक्ट. और यू कैन क्लिक द पिक्चर.
फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख लेना नोटबुक में, ठीक है मैम। द बर्ड हैज मेनी फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। द हर्ड हैज मेनी फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। हां, हर्ड हैज मेनी बेबी एलिफेंट, मेल एलिफेंट एंड फीमेल एलिफेंट। ओके, डन हो गया। Yes, ma'am. Can you hide, please? Then, hide, please. Done, ma'am. Hide, please, ma'am. Done, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Done, ma'am. Okay. If you have lost, मतलब नहीं लिख पाए हो, if you could not write page number 22, में everything is given here in this box. पेज नंबर 22, जो बच्चे रीडिंग टेक्स्ट बुक की करते हैं उनको कुछ भी डाउट नहीं होगा। पेज नंबर 22 में ग्रीन बॉक्स में एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है, पुट अ स्टार देयर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेबी एलिफेंट? व्हाट वाज द नेम ऑफ बेबी एलिफेंट? नंदू। नंदू मैम। नंदू। मैम नंदू। मैम नंदू। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। वैष्णवी टेल मी व्हाट इज द साउंड ऑफ एलिफेंट कॉल्ड? एलिफेंट के साउंड को क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। 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 एलिफेंट स्लीप फॉर हाउ मेनी आवर्स? 14 टू 15 ईयर। नो, 1 to 2 hours, ma'am. 2 to 4 hours. Elephant कितनी देर के लिए सोते हैं? 2 to 4 hours के लिए सोते हैं। Okay? 2 to 4 hours के elephant सोते Male elephant leave the herd when they are -2 years. 14 to 15 years. 14 to 15 years. दोनों नहीं आया, सिर्फ 15 आया तो 15. मैं 14 to 15 years. 14 to 15 years. 14. कुछ लिखना नहीं है ना, नोट नहीं करना। Everything is given on page number 22. जंगल में क्या कहते हैं? लीव्स एंड ट्विग्स। अगर जिसका आंसर रॉन्ग था वो बोर्ड से ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है? इफ योर आंसर वाज रॉन्ग जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। एलिफेंट लव टू ईट लीव्स एंड ट्विग्स। जंगल एंड ट्रग इन द जंगल। मैम ये सुनना है। More than 100 kg. मैंने किसी से पूछा था क्या? 100 kg।
एंड एडल्ट एलिफेंट, एडल्ट मतलब बड़ा वाला एलिफेंट, कैन ईट डैश केजी ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, एक दिन में। ये कौन बॉक्सेस बना रहा है चैट बॉक्स में? इतने सारे साधु मोहन इज मेकिंग सम ड्रॉइंग्स इन द चैट बॉक्स एंड दिस निपेक्षा इज आल्सो डूइंग समथिंग, कार्तिकेयन इज आल्सो ड्रॉइंग लाइक, व्हाट इज दिस? ओके, एंड एडल्ट मतलब बड़ा वाला एलिफेंट कैन बी डैश केजी ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, इट कैन बी 100 केजी ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, हाउ मेनी केजीज? 100 केजीज, याद रखना। ओके, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में इतना सारा मत लिखते जाओ, स्क्रीन पर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गुड रीजन, गुड रीजन मींस व्हाई, Men feel sad.
मैम फील सैड एंड पेन। पहला ये है कि उनको भी बुरा लगता है, उनको भी हर्ट होता है, और दूसरा है दे ऑल्सो नीड फ्रीडम। कौन दे फ्रीडम? मतलब जैसे तुमको आजादी पसंद है क्षितिज कुमार, समझ में आया? जैसे हमको आजादी पसंद है वैसे उनको भी आजादी पसंद है, उनको भी फ्री रहना पसंद है। लाइक मम्मी जबरदस्ती पढ़ने बिठा देती है बहुत देर तक, तो तुम्हारा फ्रीडम चला जाता है ना, आजादी चली जाती है। जैसे अभी क्लास में बैठना पड़ रहा है सबको, तो आजादी चली गई थोड़ी सी, जो बहुत मजे आ रहे थे वेकेशन में, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, हमारी आजादी चली गई। ऐसे हमने किसी एनिमल की पूरी आजादी ले ली, उसको जू में बंद कर दिया, उसको केज में बंद कर दिया, किसी को हॉर्स शू लगा दिया, किसी का आजादी। जैसे हमको आजादी पसंद है वैसे एनिमल्स को भी पसंद है, तो ये दो पॉइंट लिख लो उसमें, यू कैन राइट इन योर ईमेल्स क्लास पेज में कहीं पर लिख सकते हो। रुक्मणी कुछ लिख रही है? Okay, we should not put the animals in cage because they also feel sad and bitter, they also need to be fine. Next question is, why do people eat bread? Mera camera off hai kya? Mera camera to on hai. Everything is visible. Sab dikhai de raha hai na jalas? Screen? Yes, ma'am. Okay, next question. Mam dikhai nahi de. People eat bread. Ma'am, aap dikhai na de raha hai. Bread ko yun rakhte hai log. बैर को क्यों रखते हैं? टू अर्न मनी एंड फॉर एंटरटेनमेंट। बैर को क्यों रखते हैं? एंटरटेनमेंट एंड अर्न मनी। ये सर्कस कराते हैं। चलाता क्लास में। मैम उसको सर्कस में क्यों रखते हैं? टू अर्न मनी एंड फॉर एंटरटेनमेंट। एंड सर्कस एंड सर्कस टू अर्न मनी एंटरटेनमेंट। मैम एंटरटेनमेंट हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। हमारा एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन उस एनिमल को कितना परेशानी होती है। मेनी टाइम्स दे डू नॉट गिव देम फूड टू ईट, बहुत बार उनको फूड भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो उन्हें खाना नहीं मिलता। नहीं मैम, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें क्या मारा भी जाता है। हाँ। अगर उनके हिसाब से नहीं करते मैम, उन्हें उनका पसंद का खाना भी नहीं दिया जाता है। उनकी उतनी अर्निंग नहीं होती, ज्यादातर लोग सर्कस में नहीं जाते आजकल, तो सर्कस उनको इतना मनी नहीं मिलता। हमको अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई जानवरों को में डाल दे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। यही कहानी मैंने सुनाई थी आदित्य कुमार, थोड़ा सुना करो क्लास में। Elephant, camel, Blackboard is not clear. Mam, body is not clear. एक मिनट आ जाने, मैं देखती हूँ मुझे। किसी को नहीं दिख रहा क्या? किसी मिशन कैन यू सी द बोर्ड? मैम बॉडी इज नॉट कितना दिख रहा है? मैम बॉडी इज नॉट क्लियर। मैम बॉडी इज नॉट क्लियर। No, मैं लीव करके वापस क्लास में आ जाऊं। I read the question aloud. म्यूट करो, मैं क्वेश्चन जोर से पढ़ती हूँ। एनिमल दैट राइड ऑन अदर एनिमल्स,
कौन से एनिमल दूसरे एनिमल के राइट करते हैं? स्पैरो इग्रेट स्पैरो क्रो इग्रेट स्पैरो एंड क्रो ऑलमोस्ट दिस लेसन इज ओवर एवरीथिंग वी हैव डन न्यू टाइप इसमें मेरा सब कुछ हो गया न्यू टाइप नो मैम मैम अब दिख रही है स्क्रीन स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा यस मैम ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टुमारो बाय 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 हैव अ नाइस डे